बीरवा जो सब डिवीजन है यहाँ पे एक पुल तामीर किया गया था तकरीबन 90s में, और आपको मैं उस पुल की हालत आज दिखाऊंगा कि यहाँ पे दो दिन पहले ये जो पुल है डैमेज हुआ था और आज तक सब डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नाकाम हुई है इसको ठीक करने में। सरकार की खामी है और ये जो बीरवा ये एक नेग्लेक्टेड हेडक्वार्टर है और बीरवा को न कि इस लेवल से नजरअंदाज किया गया बल्कि हर एक लेवल से यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल है वो बिल्कुल जीरो है। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की अगर हम बात करेंगे वहाँ पर ऐसे पुल देखने को मिलते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे फॉरेन के पुल हमें देखने को मिलते हैं। हम चाहते हैं कि अब हमें इतना भी शौक नहीं है कि हमें फॉरेन जैसा यहाँ पर पुल बने, लेकिन एक सरकार से उम्मीद रखते हैं कि वो जल्द से जल्द इसकी निशानदेही करे। कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी, कोई एम्बुलेंस होगी, तो वो कहाँ से जाएगी हॉस्पिटल? अगर खुदा ना खास्ता कहीं से आगजनी हुई तो वो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस जो है वो कहाँ से जाएगी? ये सवाल या निशान है हमारे महकमे R&D पर। हम आला हुकाम से गुजारिश करते हैं कि इस पुल को रिनोवेट के जगह अगर इस एक नया सीमेंटेड यहाँ पर एक ब्रिज कायम करें ताकि हमारे यूथ को ऐसे प्रॉब्लम्स आगे देखने को ना मिले। और बीरवा के आवाम की भी यही गुजारिश है कि वो भी चाहते हैं कि ये जो पुल है ये अच्छे से तामीर हो और इस पर एक फुटपाथ भी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोगों को भी चलने में बहुत दुश्वारी होती है। ये जो पुल है इस पर एक साइड से अगर बड़ी गाड़ी आएगी और छोटी गाड़ी आएगी वो एक साइड एक साथ से क्रॉस नहीं कर पाती है। चलिए जी बात करते हैं हम आज बीरवा इलाके की। बीरवा जो सब डिवीजन है यहाँ पे एक पुल तामीर किया गया था तकरीबन 90s में, और आपको मैं उस पुल की हालत आज दिखाऊंगा कि यहाँ पे दो दिन पहले ये जो पुल है डैमेज हुआ था और आज तक सब डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नाकाम हुई है इसको ठीक करने में है। लोग जो है आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग सफर कर रहे हैं, पैदल सफर कर रहे हैं लोग, लोगों को बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये जो डैमेज हुआ है और उसके नीचे जो पिलर है वो नीचे से भी डैमेज हुए हैं, और यहाँ की जो सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है चाहे यहाँ पे अगर हम बात करेंगे महकमे R&D की तो यहाँ पे महकमे R&D को इसी साल 2023 में डिवीजन का दर्जा गया था। यहाँ पे एक्जन जो है एक्जन ने यहाँ पे अपना ऑफिस संभाला, मगर कल हमने यहाँ पे एक्जन साहब को देखा और यहाँ पे नॉर्मली जिस तरह से लोग आते हैं वो भी यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ का मुआयना किया और यहाँ से चले गए। लोगों की शिकायतें हैं कि यहाँ पे हमें बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग जो यहाँ बीरवा इलाके की अगर हम बात करेंगे, बीरवा इलाका जो है एक बड़ा इलाका है, 120 गांव जो है तकरीबन इस बीरवा इलाके के है, वो बहुत सारे मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बीरवा का सब डिवीजन है और यहाँ से जो है बड़गाम का जो डिवीजन है बड़गाम डिवीजन को कनेक्ट कर रहा है और खान साहब को कनेक्ट कर रहा है, अरिजार को कनेक्ट कर रहा है, खासकर मैं बता दूंगा कि दूध पथरी को यहाँ से ये कनेक्ट कर रहा है और यहाँ से अगर हम देखें गुलमर्ग को यहाँ से कनेक्ट कर रहा है इस एरिया को और साथ ही साथ खाग इलाके को कनेक्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है या महकमे R&D जो है वो नाकाम हुए इसमें आज तक ठीक करने में। अगर हम देखेंगे कई बार इसको रिपेयर किया गया था, कई बार इस ब्रिज को नया बनाने की कोशिश की गई, मगर लोगों को लगा कि ये खाली सपना है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ से जो गाड़ियां गुजर रही है ये भी रिस्क में जा रहा है। अब कोई रोकने वाला नहीं यहाँ पे, इनको कोई टोकने वाला नहीं क्योंकि ये जो ब्रिज है ये डैमेज है। यहाँ पे दो दिन पहले जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से रुकावटें आयद की गई थी, यहाँ से कोई गाड़ी ना गुजरे, यहाँ से अगर लोग गुजरे तो पैदल ही सफर करें पुल के उस पार या पुल के इस पार, मगर यहाँ पे सवाल या निशान खड़ा होता है जिला एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि 90 से लेके आज तक इस पुल को नया नहीं बनाया गया था, इस पुल को आज तक इसी तरह से क्यों रखा गया, ये एक सवाल या निशान है हमारे महकमा जो R&D है उनके लिए। हमारी बहनें यहाँ से गुजरे, हमारे भाई यहाँ से गुजरे, बुजुर्ग गुजर रहे और तकलीफ देखिए आपकी किस तरह से इनको पैदल आना पड़ता है बारिशों में और यहाँ पे लोगों को बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और कि कल यहाँ पे जब हमने SDM साहब से बात की उनका कहना है कि तकरीबन इस पुल को ठीक करने में 10 दिन लग सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इन दिनों में ये लोग जो है कितना सफर करेंगे, 10 से 15 दिन, ये कोई छोटी बात नहीं है, 15 दिन या 10 दिन कोई छोटी बात नहीं, तो लोगों को कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको एक वाजिया बात करना चाहता हूँ कि यहाँ से अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी, कोई एम्बुलेंस होगी, तो वो कहाँ से जाएगी हॉस्पिटल? अगर खुदा ना खास्ता कहीं से आगजनी हुई तो वो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस जो है वो कहाँ से जाएगी? ये सवाल या निशान है हमारे महकमे R&D पर, खासकर जिला एडमिनिस्ट्रेशन पर। इस पुल पे ध्यान दे और लोगों को जो मुश्किलात है उनको अजाला करे। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और आज हम बात करेंगे जो बीरवा का जो ये मेन हिस्टोरिकल पुल जो है इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे।
इस पुल में काफ़ी खामियां देखने को मिल रही है। करीबन ये आज तक 4-5 बार प्रॉब्लम हुई है, कहीं इसका पिलर गिर गया है, कहीं इसके जो ये आयरन के प्लेट्स को रिनोवेट किया गया है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से ये जो बीरवा है ये गेट वे ऑफ तोस मैदान है। आजकल की इस डिजिटल इंडिया के दौर में भी हमें ऐसे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। ये जो पुल है इस पर एक साइड से अगर बड़ी गाड़ी आएगी और छोटी गाड़ी आएगी वो एक साइड एक साथ से क्रॉस नहीं कर पाती है। और ये जो बीरवा एरिया है ये एक सब डिवीजन है, सब डिवीजन का दर्जा दिया गया है, लेकिन इस सब डिवीजन के साथ करीबन 120 गांव मुंसलिक है। ये 120 गांव की जो कनेक्टिविटी इसके साथ है, लेकिन जो मेन कनेक्टिविटी है वो ये है कि ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को कनेक्ट करता है, साथ ही साथ में ये बारामूला को भी यहाँ से कनेक्ट करता है, और मेन जो है वो फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन को ये कनेक्ट करता है। और हम आला हुकाम से गुजारिश करते हैं कि इस पुल को रिनोवेट के जगह अगर इस एक नया सीमेंटेड यहाँ पर एक ब्रिज कायम करें ताकि हमारे यूथ को ऐसे प्रॉब्लम्स आगे देखने को ना मिले। और बीरवा के आवाम की भी यही गुजारिश है कि वो भी चाहते हैं कि ये जो पुल है ये अच्छे से तामीर हो, और इस पर एक फुटपाथ भी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोगों को भी चलने में बहुत दुश्वारी होती है, हमारा अक्सर यहाँ पर आना जाना होता है। और जो मेन यहाँ का जो इशू रहता है वो ये रहता है यहाँ पर ट्रैफिक जाम अक्सर रहता है। हम हमेशा देखते हैं जब भी हम यहाँ से गुजरते हैं, जब एक बड़ी गाड़ी आती है या वहाँ से कोई छोटी गाड़ी आती है, दो गाड़ियाँ एक साथ से क्रॉस नहीं कर पाती है और उसमें ट्रैफिक जाम के इश्यूज काफ़ी रहते हैं। और मैं SHO बीरवा मुदस्सिर नसीर साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और SDM बीरवा का भी मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जो विद इन शॉर्ट नोट्स में वो यहाँ पर आए हैं और उन्होंने ट्रैफिक को डाइवर्ट करने में उनका काफ़ी अहम रोल रहा है। और मेरी एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बीरवा मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले टाइम पे जल्द से जल्द इसको रिनोवेट किया जाए और एक पुल यहाँ पर तामीर किया जाए ताकि हमारे यूथ को, हमारे बीरवा के आवाम को सफ़र ना करना पड़े, क्योंकि इस पुल के नीचे हॉस्पिटल आता है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग अभी पैदल जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, और प्रॉपर जो कनेक्टिविटी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और ये जो पुल है ये आर्मी ने 1990 में तामीर किया है और तब तक इसको 2-4 बार रिनोवेट किया गया है, लेकिन ये रिनोवेट ये पुल जो है वे वैसे का वैसा ही है, बिल्कुल इसमें प्रॉब्लम्स फिर हमें देखने को मिलती है। कई बार इसका पिलर गिर गया है, कई बार इसके प्लेट्स वो खस्त हो चुके हैं, उनमें जंग लगे होते हैं, और आज मुझे लगता है कि चौथी मरतबा ये पुल जो है कोलैप्स हो गया है। देखिए ये बिल्कुल सरकार की खामी है, और ये जो बीरवा ये एक नेगलेक्टेड हेडक्वार्टर है, और बीरवा को न कि इस लेवल से नज़रअंदाज किया गया बल्कि हर एक लेवल से यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल है वो बिल्कुल ज़ीरो है। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की अगर हम बात करेंगे वहाँ पर ऐसे पुल देखने को मिलते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे फॉरेन के पुल हमें देखने को मिलते हैं। हम चाहते हैं कि अब हमें इतना भी शौक नहीं है कि हमें फॉरेन जैसा यहाँ पर पुल बने, लेकिन एक सरकार से एक उम्मीद रखते हैं कि वो जल्द से जल्द इसकी निशानदेही करे और ताकि हमारे यूथ को आगे प्रॉब्लम देखने को ना मिले।